हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ जो होने वाली है वो होंडा की अमेज, ये टॉप एंड मॉडल होने वाला है VX। तो मैं आपको दिखा देता हूं, इसकी जो चाबी होती है, चाबी कुछ इस तरीके से आपकी दिखेगी। रिमोट की चाबी होती है, होल्ड बटन होगा जो कि होल्ड, इसको दबा के रखेंगे तो डिग्गी खुल जाएगी। लॉक अनलॉक का बटन होगा और ये अपना होंडा की बैजिंग है। कुछ इस तरीके से आपकी चाबी दिखेगी और पीछे अपनी होंडा की बैजिंग मिलेगी। अब हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें फ्रंट में जो यहाँ पे जो एक्सेसरी इसमें लगी हैं, अभी सीट कवर का काम चल रहा है जो कि बकेट फिट सीट कवर इसमें लगा है, और बाकी की जितनी भी क्रोम यहाँ से लगी है मैं आपको बता देता हूँ। ये सारा जो काम हुआ है गुड़गांव में काम हुआ है, शौकीन कार सिंगार में, यहाँ पे श्याम भैया हैं, इन्होंने सारा काम किया है। 1 वीक पहले इसमें क्रोम का काम हो चुका है और अभी सीट कवर इन्होंने जो बकेट फिट लगवाने थे तो वो ऑर्डर दिया हुआ था, जो कि आज काम चल रहा है। मैं आपको पहले लुक वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे बकेट फिट का सीट कटी हुई है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो बकेट फिट इसी तरीके से होता है। बाकी की अब मैं गाड़ी का ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो आगे इसमें जो है अपना जो, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आगे आपको इसमें प्रोजेक्टर मिलता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बाकी की यहाँ पे आपका हेलोजन इंडिकेटर मिलता है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये क्रोम आपका आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, जो पट्टी लगी हुई है, और नीचे आपकी जो है फॉग लैंप टॉप मॉडल है, इसमें आता ही है। ये जो क्रोम है ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। अब बात करते हैं इधर की तरफ, तो बीच में आपका लोगो आ जाता है और ये क्रोम आपका आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, जो कंपनी क्रोम लगा के नहीं देती है। इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे भी क्रोम का काम हुआ है और यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको देखेगा। अब हम टायर साइज की इसमें बात करते हैं, तो इसमें MRF के आपको टायर मिलते हैं। बाकी की इसमें देखते हैं तो कितना इंचेस का मिलता है। इसमें जो आपको मिलता है 1765 R15 के एलॉय व्हील मिलते हैं, क्योंकि टॉप एंड मॉडल है तो इसमें आपको एलॉय व्हील आपको ऑफर किए जाते हैं कंपनी में। और साइड से देखेंगे तो कुछ लुक इस तरीके से आएगी। आपका टर्न इंडिकेटर ORVM पे दिया हुआ है, तो मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ फिर आपको सीट का काम दिखा दूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका इधर अपना यहाँ पे इस तरीके से कुछ दिखेगा। यहाँ पे अपनी क्रोम की जो पट्टी है ये यहाँ पे लगाई गई है, आफ्टर मार्केट लगी है, जो कि यहीं पे शॉप पे लगी है और 1 वीक पहले लगी थी। और ये जो अपना क्रोम का काम हुआ है ये भी यहीं पे काम हुआ है, ये क्रोम यहाँ पे ये भी शॉप पे ही लगा है, जो कि शॉकिंग कार सिंगार पर। ये अपना डोर वाइजर जो है इस पर भी क्रोम है, ये भी यहीं पर लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। रिक्वेस्ट सेंसर इस पे यहाँ पे मिलता है, जैसे मारुति की गाड़ियों में मिलता है। बाकी की अपना ये इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल और एडजस्टेबल हैं अपने ORVM। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से लुक देखेंगे, इस तरीके से कुछ लुक दिखेगी आपकी। और ये अपना पीछे क्रोम का काम हुआ है और इसमें भी थोड़ा थोड़ा क्रोम यूज किया गया है। जो कस्टमर है उन्होंने मतलब क्रोम का तो बहुत ज़्यादा काम कराया है। अब पीछे से कुछ लुक इस तरीके से दिखेगी। थोड़ी सी वॉइस की डिस्टरबेंस होगी तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पे पास में ही मतलब ये जिस तरीके से पीछे का लुक दिखेगा, पीछे का मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये लाइट के ऊपर अपनी क्रोम लगी हुई है, जो कि आफ्टर मार्केट है, और ये अपना क्रोम लगाया गया है और बीच में लोगो सिर्फ आता है यहाँ पे क्रोम में होंडा का। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये अपना नीचे की तरफ देखेंगे तो ये अपना क्रोम लगा हुआ है। रिफ्लेक्टर के पास में पीछे दो आपको जो है इसमें वो दिए गए हैं, सेंसर दिए गए हैं, कैमरे जो कि कंपनी से आता है, कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे आपकी दी गई है, अगर आपको दिख रहा हो तो नीचे जस्ट लोगों के नीचे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अपने वेरिएंट की बैजिंग है, जो कि IVTEC VX बैजिंग है, जो कि टॉप एंड मॉडल है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जो काम हुआ है काम यहाँ पे सारा हुआ है, आप देख सकते हैं। शौकीन कार सिंगार, ये अपना नाम कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से नोट कर सकते हैं। बाकी की मैं आपको सारा उसमें मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मेंशन कर दूंगा, तो आप यहाँ पे आके करा सकते हैं। होलसेल प्राइस में दोस्तों काम होता है, जो भी आपको कोई भी काम कराना है, बेस मॉडल गाड़ी लानी है और टॉप एंड बनवानी है तो आप यहाँ से बनवा सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से अपना ये कार का है लुक है। और बाकी की यहाँ पर देखेंगे तो ये भी अपना आफ्टर मार्केट यहीं पर लगा है, और क्रोम ही देखने को मिलेगा इसमें, या तो क्रोम या गाड़ी की बॉडी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी इतना क्रोम नहीं देती है। और ये सारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे पट्टी है और अपना यहाँ पे जो है अपना यहाँ पे ये डोर वाइजर में भी अपना क्रोम का यूज किया गया है दोस्तों। अब हम आपको डिग्गी खोल कर दिखाते हैं, तो मैं चाबी से ही खोलूँगा, मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेस करके रखता हूँ इसे। और ये अपना बूट ओपन हो चुका है, कैमरा भी देख लीजिएगा, प्लेसमेंट कैमरे की आप यहाँ पर दी गई है, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और यहाँ पे अगर बूट स्पेस की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिलता है, बट डिजायर से मेरे को जो लग रहा है इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है, मेरे को डिजायर में ज़्यादा
ऑफर करती है कंपनी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप अपना बूट देख सकते हैं, पूरा मतलब वो हो रखा है, कवर किया हुआ इन्होंने, मतलब अपना जो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अपना टूल किट आपको मिल जाती है। टूल किट में स्टील रिम आपको मिलता है, MRF का ही स्टील रिम मिलता है, और इसकी जो प्रोफाइल है वो R14 क्योंकि एक साइज छोटा आपको मिलता है। और यहाँ पे अपना कुछ ये इसके टूल्स हैं, इसमें हो सकता है जैक होगा और बाकी की अपना जो है ये प्लेट मिलती है, और इसमें अपना छोटे मोटे जो पाने वगैरह होते हैं वो इसके अंदर हैं। तो अब हम इसको चलते हैं नीचे और अंदर चलते हैं गाड़ी में, दिखाते हैं आपको कि और क्या क्या फीचर्स गाड़ी के अंदर हैं और क्या क्या काम अंदर होने वाला है। तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट सेंसर इधर भी दिया गया है, जिससे कि हम अपना अगर ये हमारी चाबी अगर हमारे पॉकेट में रहेगी तो हम इसको जो है ईजिली ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो डोर की अगर बात करते हैं तो डोर पर जो आपको मिलता है यहाँ पर अपना जो है चाइल्ड लॉक करने का है, यहाँ पे लॉक अनलॉक, और यहाँ पे जो आपको पावर विंडो मिल जाती है जो कि वन टच ऑटो ड्राइवर साइड है, और ये अपनी तीनों नॉर्मल में आपको मिलेंगे। और यहाँ पे ORVM के लेफ़्ट राइट करने के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये अपना यहाँ पे उसको बंद करने का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे अपना जो स्पेस दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अंदर चल के, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अपना यहाँ पे कुछ बोतल होल्डर आपको मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, और बाकी के यहाँ पे स्पीकर आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें अपना 17 मैट लगा है जो कि यहीं से लगा है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी ये डबल उसमें होता है, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप ये देख पा रहे होंगे ये डबल फ्लिप में होता है, और नीचे ऑलरेडी इनका पड़ा हुआ है जो कि इन्होंने कंपनी से इनको मिल गया होगा ऑफ़र में। तो बाकी की यहाँ पर अपना बूट का यहाँ पर भी दिया गया है, और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब इन सीट को थोड़ा पीछे कर लेते हैं और आपको अंदर का मैं व्यू दिखा देता हूँ, अंदर क्या क्या गाड़ी में ऑफ़र किया जाता है। तो अभी दोस्तों थोड़ी सी गाड़ी खुली पड़ी है क्योंकि सीट कवर का काम चल रहा है, तो मैं आपको मोटा मोटा ओवरव्यू आपको दे सकता हूँ, अभी ज़्यादा तो नहीं दे पाऊँगा। यहाँ पे आपका दोस्तों देखो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, और यहाँ पे आपका जो लाइट को एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे अपना AC बेल्ट मिल जाता है, और यहाँ पर अपना जो है जो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये अपना कुछ इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको ये अपना RPM मीटर मिल जाता है, राइट साइड में स्पीडोमीटर मिल जाता है, और बीच में आपको जो है MID मिल जाती है। तो मैं एक बार इसको वो करके दिखा देता हूँ ऑन करके, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों दिखेगा। तो बहुत मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आप देख पा रहे होंगे बीच में आपकी जो है फ्यूल की मार्किंग आ रखी है, और आपका जो है किलोमीटर की मार्किंग दिख रही है, और टाइम दिख रहा है, ऊपर आपकी ट्रिप 1, 2, 3 दिख रही है जो कि यहाँ से आपकी जो है वो हो सकती है। तो इसमें अपना क्रूज भी दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्रूज कंट्रोल भी है क्योंकि टॉप एंड मॉडल है इसलिए, और यहाँ पे अपने फ़ोन कंट्रोल्स अपने दिए गए हैं आप देख पा रहे होंगे। तो मैं गेट को बंद कर लेता हूँ जिससे कि बाहर की कम आएगी, और आप देख पा रहे होंगे, और स्टेयरिंग भी रैप हुआ है जो कि यहीं से हुआ है, अपना स्टेयरिंग भी अपना रैप हुआ है जो कि यहीं से हुआ है, आप देख पा रहे होंगे जो, तो ये अपना स्टेयरिंग भी रैप यहीं पे हुआ है, और ये अपना काफ़ी अच्छा स्टेयरिंग है। बाकी की ये अपना हॉर्न है इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और ये भी अपना यहीं पे लगा है जो कि मोबाइल होल्डर कस्टमर ने लगवाया, यहीं से लगवाया है, और ये सोलिनेक्स का है आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और आप अपना जो है मेरे को ग्रिप काफ़ी अच्छी लग रही है, अब ये देख लेते हैं कि ये टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों है या मतलब सिंगल ही है। तो ये अपना सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल होगा, टेलीस्कोप नहीं है, तो अपना हम इसे वो कर देते हैं। और ये अपना कुछ इस तरीके से इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और यहाँ पे AC वेंट आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, और नीचे की अगर बात करें तो पावर आउटलेट मिल जाता है जो कि 12 वोल्ट का है, और यहाँ पे अगर बात करें तो 1.5 की USB आपको मिल जाती है, और यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा एक USB और है, एक 1.5A, एक 1.0A। और यहाँ पे कुछ देखेंगे तो स्पेस भी मेरे को काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और यहाँ पे दो बोतल होल्डर हैं, और यही अपना मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। तो आप देख पा रहे होंगे मैनुअल कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पर अपना जो है नॉर्मल कोई आमरेश नहीं मिलता है,
इसमें टॉप मॉडल में कम से कम कंपनी को एमरेज देना चाहिए था। और एसी जो मिलेगा वो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। अभी मतलब ये यूनिट काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट की गई है, तो काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। और ये भी इन्होंने यहीं से लगवाया है, जो कि परफ्यूम और गणेश जी की मूर्ति है, जो कि शौकीन कार सिंगार से, जो कि मैंने आपको शॉप दिखा दी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी देखिए खुला पड़ा है, तो काम चल रहा है। मैं थोड़ा सा ग्लो बॉक्स की बात करें तो आपको नॉर्मल मिलता है, कोई कूल्ड नहीं मिलता है इसमें ग्लो बॉक्स, आप देख पा रहे होंगे। बाकी की सीट को थोड़ा सा पीछे करके मैं दिखा देता हूँ। 3D मैट 17 मैट हैं ये, यहीं पर लगे हैं। और बाकी की कुछ पल्ली उधर की तरफ देखेंगे तो को ड्राइवर पैसेंजर साइड, तो अपना पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं। और ऊपर देखेंगे तो अपना ये अपना नॉर्मल लॉक अनलॉक। अगर यहाँ पर आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वैनिटी मिरर मिल जाता है, इधर टिकट होल्डर भी नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है जो कि हेलोजन मिलती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो वैनिटी मिल जाता है, और ये अपना ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, ये भी अपना मैनुअल ही मिलता है, जो कि ORVM मिलता है। लाइट की बात करें यही होती है, और बीच में और एक लाइट दी गई है। और मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी की पीछे का, आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके से पीछे आपकी दिखेगी गाड़ी, जो अपना बैक साइड में जाके, क्योंकि पीछे से सीट खुला हुआ है तो आपको प्रॉपर वो नहीं आएगी, बट मैं जब सीट लग जाएगा, ये बकेट फिट का काम चल रहा है, तो इस तरीके से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सीट खुली पड़ी है, तो बैक साइड की जो पीछे की है वो भी नहीं खुली है, और ये अपनी खुल रही है जिसमें काम चल रहा है। तो जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा। अगर होलसेल प्राइस में गुड़गांव के अंदर आपको काम कराना है, डिस्क्रिप्शन में नाम और नंबर मैं दे दूंगा, बाकी की वीडियो में मैंने आपको दिखाई दिया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा किस तरीके से फिनिशिंग आती है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। सीट कवर लग चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे आगे की सीट पे, पीछे की सीट अभी बची हुई है, मतलब सीट कवर फिट हो गया है, बट अभी इसके अंदर फिट होनी है, तो फिटिंग काफ़ी अच्छी आई है। और ये बकेट फिट होता है जो आपको इतनी अच्छी फिटिंग दिख रही है, नॉर्मल वाले में थोड़ा सा फिटिंग कम दिखेगी। तो आप ये देख सकते हैं क्रीम कलर का और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कस्टमर ने डिज़ाइन पसंद किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं पीछे का आपको दिखा देता हूँ, पीछे की तरफ आप देखेंगे तो पीछे वाला फिट हो गया है, और वहाँ भी इसी तरीके से आर्मरेस्ट आपका फिट हो गया, आप देख पा रहे होंगे। तो सीट बची हुई है, सीट हो चुकी है डन, बट आगे के ये एडजस्टेबल हैंडरेस्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे, फाइनली जब लग जाएगा, मैं आपको फाइनली एक बार ओवरव्यू गाड़ी का दिखा दूंगा। मेरे को तो काफ़ी पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और मैं आपको पीछे का जो वो कप होल्डर है आर्मरेस्ट का, वो आपको दिखा देता हूँ। उसकी बहुत अच्छी फिटिंग आई है, मैंने अपना देखी है प्रॉपर फिटिंग। अगर आपको प्रॉपरली फिटिंग देखनी है, इसको कैसे फिट करते हैं, तो मेरी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं सीट कवर की, तो उसमें मैंने सारा प्रोसेस 1-to-1 आपको दिखाया है। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी फिनिशिंग है। अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है क्योंकि सीट नहीं है, बाकी के आप देख सकते हैं इसको हम इस तरीके से इधर कर देंगे। तो ये फाइनली आप देख पा रहे हैं, फाइनली जब इसमें ये लग जाएगा अपना पीछे का, मैं एक बार और ओवरव्यू आपको दिखा दूंगा। फाइनली फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे हैंडरेस्ट भी इसमें लग चुके हैं, आप ये देख सकते हैं सारा फिटिंग प्रॉपर बहुत अच्छे से फिटिंग आई है, ये आप देख पा रहे हैं। और सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली। अब मैं आपको पीछे की सीट भी दिखा देता हूँ जो कि सेट हो चुकी है, और बैठ के कितना स्पेस सेडान में होता है, इसलिए लोग सेडान खरीदते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये सीट भी अपनी फिट हो गई है, तो बहुत अच्छी फिटिंग आई है। और आप देख पा रहे होंगे कितना स्पेस बचा हुआ है। अगर मैं लेग रूम की बात करूं तो इतना लेग रूम मेरे को इससे ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 5 उंगल से भी ज़्यादा मेरे को लेग रूम मिल रहा है। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, और इधर देखेंगे तो इधर भी मतलब हम्प भी कम कर दिया है हर सभी कंपनियों ने, क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत देता था तीसरे पैसेंजर को। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है कंपनी ने, आर्मरेस्ट कोई नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे वोटर होल्डर की जगह दी हुई है, और यहाँ पे कवर के अंदर आपको जो है स्पेस मिल जाता है, जो कि आप रख सकते हैं कुछ भी, और अपना आप देख पाएंगे इस तरीके से। अब मैं आपको हैंडरेस्ट दिखा देता हूँ निकाल के, तो अब आप देख पा रहे होंगे अपना आराम से ईजिली बैठ के आप ट्रेवल कर सकते हो। तो मेरे को तो बहुत कम्फर्टेबल फील हो रहा है गाड़ी में। और बाकी की मैं हैंडरेस्ट भी आपको पीछे का भी आपको दिखा देता हूँ, मेरे को नी रूम कितना मिल रहा है। तो ये था दोस्तों सारा एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स आगे का मैंने आपको दिखा दिया था, अब मैं हेडरूम आपको दिखा देता हूँ, अच्छा खासा मिल रहा है। पीछे इंटीग्रेटेड हैंडरेस्ट आते हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं मैं बहुत ही कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ गाड़ी में। तो ये अपना सारा एक्सपीरियंस था दोस्तों, तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में मेंशन करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सो दैट कि इस तरीके की मैं वीडियो आपके साथ लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों करते हैं इसी वीडियो को यहीं पे एंड। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।